तो दोस्तों, जब कभी हम वोट डालने जाते हैं तो हम एक पर्ची हमारे साथ लेके जाते हैं जिसमें कि आपका नाम, आपका पार्ट नंबर, आपका सीरियल नंबर ये सब लिखा होता है। और ये पर्ची को हम वोटर स्लिप बोलते हैं। और ये वोटर स्लिप काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जो प्रोसेस होता है वोटिंग का, उस प्रोसेस में काफ़ी इंपॉर्टेंस है इस वोटर स्लिप का। तो ये नॉर्मली आप अपने ब्यूरो से कलेक्ट करते हैं, लेकिन अभी आप ये वोटर स्लिप आप आपके मोबाइल पर ही खुद से ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखिए। और वोटर स्लिप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए। और चैनल पर पहली बार हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने मोबाइल पे एक ऐप इंस्टॉल करना होगा। तो इसलिए हम सबसे पहले प्ले स्टोर में जाएंगे और वहाँ पे वोटर हेल्पलाइन लिख के सर्च करेंगे। सबसे पहला वो जो ऐप आएगा, तो ये देखिए वोटर हेल्पलाइन, तो इसको सिंपली आप इंस्टॉल कीजिए। तो इंस्टॉल हो जाने के बाद इसे आपको ओपन करना है। हमें ओपन करते ही देखिए होम पेज पे देखिए वोटर्स हेल्पलाइन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेब ये एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे अभी हम नीचे की तरफ देखिए आई एग्री ऑप्शन है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करके इस पेज में आ जाएंगे। यहाँ पे हमें अपना लैंग्वेज यानी कि भाषा सिलेक्ट करना है। उसके बाद मेन जो हमें काम करना है, देखिए सर्च योर नेम इन इलेक्ट्रल रोल, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते देखिए चार ऑप्शन आ जाता है। पहला देखिए एपिक नंबर द्वारा आप सर्च कर सकते हैं। दूसरा है सर्च बाय डिटेल्स, मतलब नाम, पिता का नाम, एड्रेस, ये सब देके भी आप सर्च कर सकते हैं। दूसरा है क्यूआर कोड के द्वारा भी सर्च कर सकते हैं, साथ ही बार कोड के द्वारा भी आप सर्च कर सकते हैं अगर आपका डिजिटल वोटर कार्ड है तो। तो सबसे आसान होगा एपिक नंबर द्वारा यानी कि वोटर कार्ड नंबर द्वारा। तो सिंपली सर्च बाय एपिक नंबर पर क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पर एंटर योर एपिक नंबर, मतलब यहाँ पर आपको अपना वोटर कार्ड का नंबर यहाँ पे पूरा लिखना है। और लिखने के बाद नीचे सर्च ऑप्शन है, सर्च ऑप्शन पे क्लिक करते देखिए आपका सारे डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा कि आपका नाम क्या है, एज कितना है, आपकी उम्र कितना है, पिता का नाम या पेरेंट्स का नाम, उसके बाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर, नाम, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी उनका नाम, डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्टेट क्या है, पार्ट नंबर कितना है, पार्ट नेम यानी कि बूथ का नाम क्या है, स्कूल का नाम क्या है, और सीरियल नंबर, मतलब वोटर लिस्ट के कौन से सीरियल में आपका नाम है, ये भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए नीचे एक डाउनलोड बटन दिया गया, अगर आप इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपका वोटर स्लिप डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैसेज आ चुका है, योर फोटो वोटर स्लिप हैज़ बिन सक्सेसफुली डाउनलोडेड एंड सेव्ड इन योर गैलरी, मतलब आपके मोबाइल के गैलरी में अब ये सेव हो चुके हैं। हालांकि यहाँ पे फोटो वोटर स्लिप लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे कोई भी फोटो नहीं आ रहा है, तो ये एक नया चेंज आया है, यहाँ पे कोई भी फोटो नहीं आ रहा है। हालांकि ये फोटो वोटर स्लिप कहा जा रहा है लेकिन ये वोटर स्लिप अवश्य है, इसको आप लेके जा सकते हैं वोटदान केंद्र में। यहाँ से सिर्फ आपका जो इलेक्ट्रल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, पार्ट नंबर है और सीरियल नंबर, इन तीनों को ही ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा और आपका नाम यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा। तो वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले।